मेरी उनसे वैसी बॉन्डिंग थी कि मुझे कितनी बार उनके साथ के सीन्स में कोई हेल्प लगती नहीं थी, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो इमोशंस आ जाते थे. यू बिकॉज गेट आई यूज टू वाइब. एक्चुअली फील फॉर हर लाइक दैट. मतलब वो अगर रो दी तो मुझे भी रोना आ जाता था. या आई फील कि अगर मैं कभी भी ओटीटी की तरफ लीन करूंगी ना, तो वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज ओटीटी में एज यू सेड इतने अलग अलग तरह के शोज बनते हैं, आपको हर तरह का किरदार निभाने का मौका जी मिल सकता है. स्कूल फ्रेंड्स ना वो वाला शो है जो आप खाना खाते खाते एक एपिसोड देख लिया, कहीं चलते वक्त आपने एक एपिसोड जी देख लिया, दिन खराब जा रहा है एक एपिसोड देखकर फ्रेश हो गए आप. ट्रायल प्रोजेक्ट था कि कॉन्सेप्ट है हम बना रहे, हमें नहीं पता था कि वो इतना पसंद आएगा लोगों को, किसके सीजन्स बनेंगे आगे. हाय माय नेम इज नविका कोटिया एंड यू आर वाचिंग IWM बस. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Namika with us. So firstly, Namika, how everything is going on? वेरी गुड. काफी सारी एक्साइटिंग चीजें हो रही है, तो आई एम रियली हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. क्या कहना चाहेंगे ना, आफ्टर गेटिंग अ सच अ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद, व्हाट इज नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर एक्सप्लोरिंग नाउ? सो अभी फिलहाल तो आई एम एक्सप्लोरिंग द ऑडियंसेस रिस्पॉन्स टू आर शो स्कूल फ्रेंड्स. सीजन टू ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी इट हैज बीन लाइक नंबर 5 ऑल ओवर इंडिया एंड आई आल्सो गॉट नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर. तो अभी तो यही सब चीजें चल रही है एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑल इन. When you got notified, no, that you have not nominated for the film fair award, how was that feeling? उस समय was that like कि belief हुआ नहीं या नहीं हुआ. मुझे मैं सूखी उठी थी एंड आई चेक माई फोन, तो मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये मतलब उसने शायद गलत देख लिया होगा या कुछ और होगा. फिर जब उसने लिंक भेजा मैंने खुद देखा, वाज लाइक तो आप जब कोई चीज इमेजिन करते हो फिर वो एक्चुअली रियलिटी में होता है तो थोड़ा टाइम लगता है टू एडजस्ट कि ओ शिट असली में हो गया. वाज वेरी हैप्पी. जब आप शो किए थे, थॉट की नो ये शो को या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतना सारा प्यार मिलेगा कि नो नॉमिनेशन अवार्ड्स तक? हाँ मतलब एक्चुअली जब हमने सीजन 1 किया था तब ये बहुत ही एक ऐसा ट्रायल प्रोजेक्ट था कि कॉन्सेप्ट है हम बना रहे, हमें नहीं पता था कि वो इतना पसंद आएगा लोगों को, किसके सीजन्स बनेंगे आगे एंड उस सीजन्स को भी फिर ऐसा क्रेजी रिस्पॉन्स मिलेगा. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी हवेवर तब मुझे पता था कि अगर ये राइट ऑडियंस तक पहुंचा तो ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही काफी फेमस हो जाएगा, क्योंकि ट्रू. जो कंटेंट है दैट्स अराउंड स्कूल, राइट? और स्कूल तो हम सब जाते हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल, वेरी नोस्टैल्जिक फॉर एवरीबडी. तो स्क्रिप्ट भी बहुत फनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मुझे पोटेंशियल पता था. बट आई एम रियली हैप्पी कि उतना ही लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट किया है. हैज यू सेड वर्ड ऑफ माउथ इज टू इम्पोर्टेंट नो. आजकल हम जो देख रहे हैं नो, अगर वो रील से फेमस होता है या फिर वर्ड ऑफ माउथ से शो या कोई भी मूवी फेमस हो रही है, डू यू थिंक कि जब ये नेचुरली आपके शोज को या प्रोजेक्ट को प्यार मिलता है, उसकी क्या जो फैन फॉलोइंग है वो काफी अलग होता है हाँ, एज क्योंकि वो कम्पेयर? जेन्युइन फैन फॉलोइंग होती है ना, वो खुद उस शो से रिलेट करते हैं या उस शो से अटैच हो जाते हैं, इसलिए वो उस शो के फैन बनते हैं. तो वो हमेशा रहता है आपके साथ, यू नो, एंड वो आपके कहते हैं ना एकदम ट्रू लॉयल फैंस बन जाते हैं. ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट काइंड ऑफ पब्लिसिटी फॉर एनी ट्रू. आर्ट फॉर्म. एंड मतलब इट्स जो कंटेंट है आजकल वो कंटेंट ऑलवेज विंस दीज डेज, यू नो. आप कितना ही बड़ा फिल्म बना लो, इफ इट्स नॉट अ गुड फिल्म या इफ इट्स नॉट अ गुड सीरीज तो लोग उसे नहीं पसंद करते. और आप कितनी छोटी फिल्म या सीरीज बना लो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो पीपल अप्रिशिएट इट. दिस इज ग्रेट. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हमने कई सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंट देखे ना, काफी सारे वायलेंस वाले शोज आ रहे हैं, मारपीट होती है, कई करेक्ट. सारे ड्रामा होते हैं, बट उसमें लाइट हार्टेड शो आना, यस वो वर्क करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल, बिकॉज देर आर एक्चुअली सो मैनी शोज आर गोइंग एट द सेम टाइम जो ट्रेंडिंग पे भी है, जो टॉप भी कर रहे हैं, बट उसमें लाइट हार्टेड शो विन करना इज द बेस्ट पार्ट. यस आई फील सो टू. एंड ऑल्सो मैं पर्सनली खुद लाइट हार्टेड शोज देखना बहुत पसंद करती हूँ. एंड स्कूल फ्रेंड्स ना वो वाला शो है जो आप खाना खाते खाते एक एपिसोड देख लिया, कहीं चलते वक्त आपने एक एपिसोड देख लिया, दिन खराब जा रहा है एक एपिसोड देखकर फ्रेश हो गए आप, तो वो उस जोन में फिट होता है. एंड ऑल्सो वो आपको अपने स्कूल डेज की याद दिलाता है, तो जी आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो. एंड उसके जो कैरेक्टर्स है ना वो ऐसे हैं कि आप किसी ना किसी कैरेक्टर में खुद को ढूंढ लोगे, तो तो बहुत रिलेटेबल भी हो जाता है. तो आई थिंक फॉर दोज रीजंस amongst such other good shows also school friends is doing well and every genre has its own, you बट know. एज एन एक्टर डू यू फील कि नो
जब आप प्रोजेक्ट साइन करते हो तब ऐसा थॉट आता है कि ये लाइट हार्टेड है, रोमांटिक शो है, वेदर इट विल बी वर्क और नॉट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ऑडियंस की जो चॉइस है वो काफी अलग भी होती जा रही है डे बाय डे. मोर देन हैज आई टोल्ड यू कि वायलेंस शोज को ज्यादा प्रीफर भी करते हैं, जिसमें मार धाड़ ज्यादा हो, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न ज्यादा हो, वो शो को भी ज्यादा पसंद करती है. थॉट की शुड आई डू रोमांटिक और लाइट हार्टेड शो और नहीं, नॉट. मेरा सो एज एन ऑडियंस ऑल्सो मैं हर जॉनर देखती हूँ, एंड एज एन एक्टर तो ऑब्वियसली मैं हर जॉनर करना चाहूंगी. व्हाई विल आई वांट टू पुट माय सेल्फ इन अ बॉक्स? मुझे अगर कोई ऐसा रोल दे जो फुल एकदम वायलेंट लड़की है जो सबको जाके मार रही है फॉर गुड रीजन ओनली, आई वुड लव टू डू दैट. यू नो, मतलब एक बैड एस कैरेक्टर जैसे बाइक वाइक चलाती है, मुझे बहुत मजा आएगा वो करके. या ओपन विद एवरी या आई कैरेक्टर. एम ओपन विद एवरीथिंग. एंड आई थिंक आप जो कह रहे हो ना कि वायलेंस लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है देखना शोज में, वो इसलिए चलता है बिकॉज आई थिंक ओटीटी पे ना आपको एक छूट होती है, सेंसर इतना नहीं होता है, तो लोग एक्सट्रीम वायलेंस दिखा सकते हैं. आप मतलब गोर कहते हैं ना, मार धाड़ काट पीट के दिखा सकते हो, तो वो रॉनेस लोगों को देखने में बहुत मजा आता है जो मूवीज पे या टीवी में कट जाता है, यू नो. तो इसलिए आई थिंक वायलेंस ओटीटी पे इतना अच्छा करता होगा, आई थिंक. After getting the success of this show, what is that one kind of genre you want to do now? As you said, you're open for everything. But एक होता है ना कि मुझे ये character या ऐसे kind of genre तो करना ही है. So I think I would like to do something very cool, very badass, थोड़ा action. I think मैंने action कभी नहीं किया है life में. हल्का फुल्का मतलब एक आध stunts किए हैं कुछ कुछ scenes के लिए, बट ऐसा proper action character करने में बहुत मजा आएगा मुझे. You know, एक दो तीन महीना training हो, कुछ सीख लूँ जी. boxing MMA कुछ ऐसा, और फिर बस वैसा मजा आएगा. नविका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने टीवी भी किया है, ओटीटी भी किया है, व्हाट इज दैट वन डिफरेंस यू फाइंड? बिकॉज हमने कई सारे एक्टर्स को देखे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स ओटीटी ज्यादा होता है ना, उनका प्रेफरेंस ओटीटी की तरफ ज्यादा होता है. करेक्ट. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो आई थिंक कि मैं पर्सनली कभी भी ऐसा बायस नहीं कर सकती कि मैं टीवी नहीं करूंगी या मैं ओटीटी नहीं करूंगी. आई एम एन एक्टर, मैं हर जगह एक्टिंग थ्रू करूंगी. मैं आई थिंक लोगों को ये है ऐसा कि एक्टिंग अलग हो जाती है टीवी में और ओटीटी में अलग होती है. आई डोंट थिंक सो. हाँ, समटाइम्स हमें टीवी पे थोड़ा लाउड करना पड़ता है, बट जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग टीवी डज नॉट मीन यू कांट डू ओटीटी. सो फॉर मी, मैंने कहीं कहा नहीं है, बट स्कूल फ्रेंड्स का सीजन 2 और मेरा जी टीवी का शो मैंने साथ में शूट किया ओ एट द सेम टाइम. मतलब मैं सुबह वहां शूट करती थी, रात को यहां शूट करती माय थी. गॉड, एंड तो टू डिफरेंट टू कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक बहू है अपोजिट. और एक स्कूल की बच्ची है वैसा. मतलब एक बिजनेस चला रही है, घर चला रही है, खाना बना रही है, और एक स्कूल में हेड गर्ल का काम कर रही है. तो कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर्स जो मैं सुबह शाम करती थी, एक टीवी और एक ओटीटी. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द एक्टर. मेरे डायरेक्टर ने मुझे कभी नहीं कहा कि तू लाउड कर रही है या तू एक्स्ट्रा कर रही है, और वहां के डायरेक्टर ने मुझे कभी नहीं कहा कि तू सटल कर रही है या तेरे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे. वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आप एक एक्टर हो, अगर आप वर्सेटाइल नहीं हो गए तो यू आर टू बी ब्लेम योर सेल्फ. बट वो काफी बार ना ऐसा एक प्रीकंसीव नोशन हो जाता है कि अरे ये तो टीवी एक्टर है, ये ओटीटी नहीं कर पाएगा. आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड आई फील कि अगर मैं कभी भी ओटीटी की तरफ लीन करूंगी ना, तो वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज ओटीटी में एज यू सेड इतने अलग अलग तरह के शोज बनते हैं, आपको हर तरह का किरदार निभाने का मौका मिल सकता है. यू डू नॉट हैव टू, यू डोंट रियली गेट दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इन कैरेक्टर्स इन टीवी. यू नो, वो होते हैं, अलग अलग कहानियां होती है, अलग अलग किरदार होते हैं, बट बेसिक एक बॉर्डर लाइन आप देखो ना, तो वो सेम तरह थ्रू जो लीड आउट होती है रहेगा. वो थोड़ी सिमिलर ही होती है हर शो में. तो आई जस्ट फील के ओटीटी गिव्स यू अ चांस टू एक्सप्लोर योर वर्सेटैलिटी मोर एज एन एक्टर. हैज यू सेड यू हैव डन टू शो टुगेदर एट द टाइम. कितना चैलेंजिंग था, भाई. बिकॉज मुंबई में आप शूट करो तो आधा टाइम तो आपको ट्रैफिक में देना है, यस. और उसी बीच आपको दूसरे शो का भी तैयारी करना है, बिकॉज एज वी नो टीवी इज नॉट इजी एट ऑल. नॉट एट ऑल. सबसे ज्यादा टेक्स वहां पे होते हैं, सबसे ज्यादा अलग एंगल से शूट्स टीवी में होते हैं. करेक्ट. प्रॉम्प्टली आपको अभी एक्शन करना है, अभी डांस करना है, अभी रोना है, काफी टफ होता है टीवी. आपने जो कहा उसी में एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट. ठीक है, जैसे आपने कहा डांस करना होता है, तो मेरे यहाँ पे होता था, मैं आज सेट पर गई हूँ, क्या कपड़े हैं, अच्छा आज लहंगा पहनना है, ओके फुल रेडी हो गई, सेट पर गई, क्या करना है, वो डांस करना है आज, क्या स्टेप है, हाँ ये स्टेप है, चलो ठीक है, लर्न कर लिया, शूट कर लिया, मस्त फुल ऐसा रोमांटिक डांस भी कर लिया, गरबा भी कर लिया, तुरंत लर्न किया, तुरंत शूट हो गया. कट टू, यहाँ पे ऐसे कॉल आ रहा है, वो ना डांस परफॉर्मेंस है तो हम एक दिन पहले रिहर्सल रख रहे हैं. एक दिन पहले रिहर्सल है, ठीक है, फिर हम पूरा एक दिन रिहर्सल करते थे, फिर अगले दिन पूरा एक दिन सिर्फ डांस सीक्वेंस शूट हो रहा है, तो वहां आराम आराम से काम होता है.
दोनों गेट योर डिफरेंसेस, स्पेस यू गेट योर टाइम, क्योंकि उनके पास होता है, या टीवी वालों के पास टाइम नहीं होता है. एंड बट दैट यू दैट एक्चुअली ओनली प्रिपेयर्ड मी, मतलब मेरे लिए वो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मेरा जी टीवी का कैरेक्टर था वो बहू थी, राइट. तो वो यस शुद्ध हिंदी में बात करती थी, वो जैसे अगर गॉडेस के बारे में बात कर रही है ये सब, तो मैं स्क्रिप्ट मेरे को तुरंत याद करनी या पड़ती थी. उस वजह से मेरी आदत हो गई. का टू जो हमारा ओटीटी का शो है उसकी हम पहले रीडिंग कर चुके हैं, मेरे को कैरेक्टर पहले से पता है. प्लस वो जो लैंग्वेज है वो बहुत लेमन लैंग्वेज है ना, आप स्कूल में अपने दोस्तों से या कैसे बात करोगे. तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था वो ट्रांजेक्शन. इनफैक्ट मेरे स्कूल फ्रेंड्स के सेट पे सब बोलते भी थे कि नविका कभी लाइन क्यों नहीं बोलती है, हम वेट करते थे ये लाइन, जी क्योंकि हम जो सब कास्ट है हमारा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. तो मेरे को ऐसे, तो हम वेट करते कि तू कभी तो लाइन भूले. मैं कह रहे, बट मेरे लिए इट्स वेरी इजी या यहाँ की लाइन्स लर्न करना. तो वो कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली है. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा टीवी का शेड्यूल जो था वो बहुत हिक्टिक था. लाइक अगर हमारे सेट पे दो यूनिट्स लग रही है तो मैं दोनों यूनिट्स में, वहां पे ड्यूप यूज नहीं होता था. तो मैं यहाँ एक टेक देती थी, फिर यहाँ क्लोज देती थी इस यूनिट में, फिर इस यूनिट में मास्टर करती थी, उस यूनिट में क्लोज देती थी. कट हुआ इधर भागो, कट हुआ उधर भागो, वैसा था. एंड उसके साथ साथ में दूसरा शो करना दूसरा, बहुत, बिकॉज एक बट ही शो में बोथ आप ऑफ अलग द शिफ्ट कर या रहे एंड ऑल्सो हो, बोथ ऑफ द प्रोडक्शन लाइक सपोर्टेड फॉर दैट. या तो वो उस वजह से भी पॉसिबल हो पाया एट द एंड. बट बहुत हेक्टिक था, मतलब आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, मैं पूरा निचुड़ गई थी. बट इट वाज फन एंड नाउ इट्स ऑल वर्थ इट. या फिल्म वगैरह ऐसे सेट काफी अलग अलग सीन का अलग अलग प्रिपरेशन होता है. ओटीटी में जो स्पेस मिलता है, नो आर्टिस्ट गेट देयर ओन टाइम टू रिहर्स हाँ देयर सेल्फ, करेक्ट. और वही टीवी पे यू हैव अ क्विक, यू हैव टू डू. डू यू फील कि नो टीवी एक ऐसा जॉनर है जो आपको एज एन एक्टर स्कूलिंग देता है करेक्ट, वो ही फॉर है मन का. फॉर डू अ बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ एक्टिंग करियर? यस. तो जैसे मतलब मैंने ना भरतनाट्यम सीखा है, ओ वाह, तो मैंने आरंगेत्रम किया है इसमें. तो मतलब मेरी मम्मी मुझे बचपन में ऐसे या भेजती थी क्लास कि तूने अगर क्लासिकल सीख लिया ना बेटा, तो तू कोई भी डांस फॉर्म कर जी सकती है. एंड मुझे डांस बहुत पसंद है. नाउ आफ्टर रियलाइजिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ, अगर आपको क्लासिकल डांस आता है तो आपके लिए दूसरे डांस फॉर्म्स पिक करना थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज यू ट्रेंड प्रॉपरली. सेम थिंग आई थिंक टीवी के साथ, अगर आपने टीवी कर लिया, अगर आपने टीवी में लीड कर लिया स्पेशली, तो आई थिंक आप कहीं पे भी फिट हो सकते हो, जी क्योंकि आप एकदम प्रेशर के साथ काम कर चुके हो ना, अंडर प्रेशर. या तो इट्स इजियर फॉर यू टू एडजस्ट. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स फ्रॉम एक्टर टू एक्टर, थ्रू बट इट एक्चुअली रियली स्कूल्स यू वेरी वेल. या यू हैव वर्क विद मानसी रॉय, यू नो, इवन शी इज अ मासू, मेरी मासू. इवन शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एज एन एक्टर. व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट इज दैट वन थिंग यू हैव लर्न विद हर? लर्न से ज्यादा तो मुझे उनसे प्यार मिला है ऑनेस्टली. शी या लिटरली यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हर डॉटर ओनली. इनफैक्ट अभी जब हमारा शो खत्म हो गया था, तब भी मैं उनसे मिली थी. तो उस दिन ना मेरे को हाथ में लग गई थी, हाँ तो जो मेरी बुआ बनी थी एकता दी, वो मेरे को पट्टी जी बांध रही थी, और फिर मासू ने मेरे को मेरे शूज पहनाए थे कि तू कैसे हाथ से शूज पहनेगी, रुक मैं पहना देती हूँ. तो वैसा माहौल रहा है सेट पे हमेशा. जी एंड हम लोग सब साथ में बैठ के खाते वाते थे, तो वो अपने घर से लाती थी, मैं अपने घर से या लाती थी. तो कितनी बार वो स्पेशली मेरे लिए कुछ बना के लाती थी. तो मुझे तो सबसे पहले उनसे प्यार मिला. बट अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट हर क्राफ्ट, अमेजिंग एक्टर, फिनोमिनल. या एंड एज यू सेड, ऐसा नहीं कि हमें टीवी में भी टाइम नहीं मिलता था. वी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रेप. बट मेरे लिए ना हमारे शो का जो क्रक्स था वो सास और बहू के बीच की जी बॉन्डिंग थी, कि वो आपकी माँ जैसी हो सकती है. एंड मुझे ऑलरेडी मासू से वैसी वाइब, मतलब मैं उनको मासू ही बोलती हूँ रियल हाँ लाइफ में भी. मैंने उनका नाम भी मासू से ही सेव कर रखा है. तो मेरी उनसे वैसी बॉन्डिंग थी कि मुझे कितनी बार उनके साथ के सीन्स में कोई हेल्प लगती नहीं थी, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो इमोशंस आ जाते या थे. यू बिकॉज गेट आई यूज्ड टू वाइब, एक्चुअली फील फॉर हर लाइक दैट. मतलब वो अगर रो दी तो मुझे भी रोना आ जाता था, या मैं या उनसे इमोशनली कनेक्ट हो रही हूँ सीन में तो मैं नेचुरली हो जाती थी. या मतलब आई एम सो, मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले कल ही उनको मैसेज किया, कैसे हो मासू, आई मिस यू, व्हाट्स अप. या तो वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, स्वीट या हार्ट. एंड व्हाट अबाउट योर अदर को-स्टार्स विद? सारे कोस्टर्स लाइक ऑन टच वुड हैव बीन वेरी या लकी. स्कूल फ्रेंड्स के सेट पे भी एंड जी के सेट पे भी, ऑल ऑफ देम वो वेरी 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 स्वीट. सबके साथ मेरा फैमिली जैसा बॉन्ड है. वो सेट पे तो मैंने कहा है कि हम सब साथ में या बैठ के डब्बा गैंग थी हमारी, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था. एंड यहाँ पे तो स्कूल फ्रेंड्स, मतलब हम 5 हैं और हमारे डायरेक्टर सर है 6 जी बच्चे. मतलब वो इतने, कभी कभार वो मेरे से ज्यादा मस्ती कर देते हैं. जी अगर हम सीन में, हमें हमारी मस्ती कम करनी पड़ती है, और हम अगर कैसे तैसे हमारी हंसी कंट्रोल कर ले, तो हमें पता है कॉर्नर ऑफ द आई से हमें दिख रहा है कि डायरेक्टर सर हंस रहे हैं हमारे पीछे. या फुल मस्ती है वहां पे भी, बहुत अच्छा, एकदम स्कूल फ्रेंड्स जैसा ही वाइब बट नविका, टू गेट न्यू रोल्स नाउ
फॉर वेदर इट्स अ ओटीटी और वेदर इट्स अ मूवी और वेदर इट्स अ टीवी शो, इज इट टफ फॉर यू ऑल्सो? बिकॉज हमेशा एक नए चैलेंजेस आते रहते हैं फॉर अलग अलग फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर. व्हाट ऑफ इज दैट कोर्स वन थिंग यू ऑलवेज नोटिस हैज एन एक्टर? तो टफ तो है, चैलेंजेस है. आपको जिस तरह के रोल्स चाहिए वैसे मिलना, एंड वो मिलने के बाद उसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना, पूरे अच्छे पूरे फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करना, तो चैलेंजेस तो है. बट उसी वो ही चैलेंजेस के लिए आम लुकिंग फॉरवर्ड. जितने चैलेंजेस आएंगे आप उतना ग्रो करोगे. कास्टिंग में डिफरेंसेस आते हैं या फिर यू सिंक टीवी और ओटीटी का, या मैंने अभी पर्सनली तक तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, बट मैंने ऐसा सुना है कि यूजुअली ओटीटी के कास्टिंग वाले टीवी को प्रेफर नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है. बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है, आपके बिकॉज साथ मैंने दोनों किया है आई गेस, इसलिए. या बट ऐसा कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है सच. जो प्रोसेस है कि आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे बहुत सारे, वो तो है, बट नथिंग एज सच. या बट जब आप जाते हो फॉर ऑडिशन, इज इट लाइक द सेम ओनली, और यू फील जब आप शो दो तीन शो कर लेते हो तो उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाते हैं? मैं अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया ऑनेस्टली, आई या बी वेरी ऑनेस्ट. मैं जब ऑडिशन पहले देने जाती थी, अभी देने जाती थी, इट्स द सेम. वो जैसे पहले बुलाते थे ऐसे बुलाते हैं, मैं वहां जाकर ऑडिशन देती हूँ, परफॉर्म करती हूँ. देयर इज नो डिफरेंस. हाँ, डिफरेंस बस ये हो जाता है कि आई थिंक वो आपको ज्यादा लोग अप्रोच करने लगते हैं, बिकॉज उन्होंने आपका काम देखा है. दे गेट टू नो, अच्छा ये शो आया है, इसमें ये एग्जैक्टली लड़की है, चलो हाँ इसको. बट मे बी आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है ऑडिशन की. बट अगर वो जो भी है वो ऐसा मुंह पे तो नहीं बोलेंगे ना, अनलेस एंड अनटिल समवन रियली लाइक्स द शो, जो हुआ है. जैसे इंग्लिश विंग्लिश लोगों को बहुत पसंद है, तो बहुत बार जब मैं लोगों से मिलती हूँ, इरिस्पेक्टिव उसका ऑडिशन से कोई लेना देना नहीं है, बट दे विल से कि हमें आपका इंग्लिश विंग्लिश का काम अच्छा लगा या वो मूवी हमें पसंद है, तो वैसा होता है. बाकी तो ऑडिशन देयर इज नो देनी पड़ती है. फेवरिज्म्स गो नहीं, ऐसा कुछ नहीं. फेवरिज्म कैसे होगा ना, आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे या आपका लुक कितना जा रहा है कैरेक्टर में, वो दैट्स द मेरे साथ डिफरेंस तो कोई फेवरिज्म नहीं. प्लीज कोई कर दो फेवरिज्म. कर दो कोई. ओके नामिका, इंडस्ट्री में सस्टेनिंग इज नॉट इजी एट ऑल. टू मेक योर सेल्फ टू वर्क थ्रू आउट दिस जर्नी कितना मुश्किल है फॉर यू? एज कुछ ना कुछ करते हैं, आप नजर आते हो, योर यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो एक्टिव. सो आई टेल यू, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए, या सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो मैंने जो हर्डल फेस किया अपने करियर में, दैट वाज माय वेट. आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद माय वेट, एंड शी हैव लूज आई अ लॉट थिंक ऑफ वेट, अ लॉट ऑफ वेट. लॉट तो मैं आई थिंक 7-8 साल की थी जब से मैंने एक्टिंग शुरू की, एंड माय जर्नी स्टार्टेड एज अ किड. बचपन में आपको लगता है दैट इट्स ओके, बट इट इज नॉट ओके. बचपन में भी आई हैड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट, क्योंकि तब भी लोग कहते थे कि यू आर टू फैट फॉर द रोल, यू नीड टू लूज वेट. तो इट वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, एंड जब तक मैं टीनेजर थी तब तक ठीक था, थोड़ा ऊपर नीचे होता था वेट. बट व्हेन आई ग्रो अप आई रियलाइज्ड कि इफ आई वांट टू गेट द काइंड ऑफ रोल्स आई वांट टू डू, मुझे एक स्पेसिफिक वेट रीच करना पड़ेगा. तो दैट्स इट फॉर माय करियर. आई डिड माय बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दैट. तो एक वो हो जाता है. इवन इफ यू आर नॉट हैवी, आपको फिर भी अपने आप को मेंटेन तो करना ही पड़ता है. तो वैनिटी कम्स नेचुरली टू एन एक्टर. यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल एट ऑडिशंस. आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आप जो कपड़े पहन रहे हो वो कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा होना चाहिए. आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते. इवन व्हेन यू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम. तो वो वैनिटी एक्टर में आना नेचुरल है. बट आई ऑल्सो ऑलवेज कंपेयर दिस विथ अदर. जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट का इंसान, वो एक्स्ट्रा कोर्सेज करता है, जैसे कोई जॉब कर रहा है, जॉब करते करते वो एमबीए एक्स्ट्रा करता है, तो वो आगे और पढ़ रहा है ताकि वो ग्रो कर सके. वैसे ही मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए क्लासेस लेना, एक्टिंग सीखना, अलग अलग फॉर्म्स सीखना, डांस सीखना, लैंग्वेजेस सीखना या जिम जाना, ये सब हमारे लिए वो कोर्सेज है जो हमें हमारे करियर में ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म ना, आप कितना ही सीखो, कितना ही खुद को ग्रूम करो, कम है. तो वो सारे चैलेंजेस होते हैं. अदर देन दैट ऑब्वियसली इतना कॉम्पिटिशन है इस इंडस्ट्री में, तो टू मेक योर नेम, मेक योर स्पेस, गेट द राइट प्रोजेक्ट्स इज ऑब्वियसली अ स्ट्रगल. लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, विथ होम यू ऑलवेज टेक वन एडवाइस, विथ होम यू ऑलवेज आस्क नो वेदर शुड आई गो विद दिस प्रोजेक्ट और नो? माय मॉम ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन में तो मतलब जब हमने एक्टिंग शुरू की थी तो हम तो छोटे थे, मैं और मेरा भाई दोनों एक्टर्स हैं. तो हमारी मॉम डैड ने ही हमें सपोर्ट किया था और आज भी करते हैं बहुत ज्यादा. तो ऑब्वियसली माय फर्स्ट गो टू पर्सन इज मॉम, वेदर इट्स करियर और लाइफ एडवाइसेस.
मॉम डैड और मेरा छोटा भाई, वो है छोटा पर वो मेरे से ज्यादा समझदार, तो आई गो फॉर एडवाइस। वो भी पूछता है कभी कभी बट मैं ज्यादा पूछती हूँ। तो ये तीन तो है मेरे गो टू पर्सन। बट देन टच वुड, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन लाइफ, इनफैक्ट आई हैव माय टीम आल्सो। मैं ये लोग बैठे इसलिए नहीं बोल रही, बट इन जनरल काफी अच्छी एडवाइस देते हैं ये लोग, तो आई रिलाई ऑन देम, आई ट्रस्ट देम। तो है टच वुड, गॉड हैज ऑलवेज हेल्प मी विद गुड पीपल अराउंड, ट्रू सो आई हैव अ लॉट ऑफ वेल विशेस। लास्टली वन मैसेज फॉर ऑडियंस. मैं तो यही बोलूंगी कि वॉच माई न्यू शो स्कूल फ्रेंड्स सीजन 2, सीजन 1, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट अ लॉट। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन टू द शो एंड टू मी। ऐसे सपोर्ट करते रहो, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सो मच नविका, एंड थैंक ऑल यू, द थैंक्स अ लॉट, बेस्ट. थैंक यू सो मच।